Hey guys and welcome to Filler Form. My name is Jitendra Goswami और आपका स्वागत है Filler Form पे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जून एग्जाम का कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को नहीं पता मैं बताना चाहूँगा कि फाइनली हम लोगों की ऑफिशियल आंसर की चैलेंज आंसर की आ गई है। जहाँ पर आप लोगों ने अभी ऑनलाइन एग्जाम दिया था वो आपके सामने है और एनडीए की ऑफिशियली आंसर की आपके सामने है। तो अभी तक मुझे पता है, आई होप कि आप लोगों ने मेजर कर लिया होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं या कितने क्वेश्चन राइट है। तो जिन लोगों को मेजर करना नहीं आता मैं आपको मेजर करके समझा देता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा कि आपके पेपर वन में कितने क्वेश्चन राइट है। मान के चलिए आपके 25 क्वेश्चन राइट है और पेपर सेकंड में आपके 75 क्वेश्चन राइट है। तो आपको उनको ऐड करना है। तो ये अभी मेरा 100 हो गया है, तो 100 × 2 करूंगा तो मेरे 200 नंबर आ रहे हैं। इसी आधार पर आपका कट ऑफ निकलता है गाइस, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को नहीं पता, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे फिलर फॉर्म चैनल पर आए, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेट सेट जार्व और असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे अपडेट और वहीं पेपर वन के साथ पेपर सेकंड के 14 सब्जेक्ट इंक्लूड इंग्लिश की भी यहाँ पर लाइव क्लासेस होती है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और अभी हाल ही में हम लोगों ने हमारा इंग्लिश का नया बैच प्रारंभ कर दिया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारे पास यहाँ पर लास्ट ईयर का कट ऑफ है दिसंबर 2023 का ये कट ऑफ, जो लास्ट एग्जाम हुआ था। आपको पता होगा ये नेट का है और ये जारेफ का है। इस बार आपका गाइस 3 कट ऑफ जाने वाला है, फर्स्ट जारेफ, सेकंड द नेट एंड थर्ड इज पीएचडी। इस बार करीब 9 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पीएचडी, क्योंकि अगर आपको पूरे इंडिया में कहीं से भी पीएचडी करनी है तो अब आपका नेट का स्कोर मान्य होगा और ये सबसे कंपलसरी है। सो गाइस सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे अभी तक ये लग रही है कि मजा आने वाला है। सो गाइस देखिए, मैं आपको तीनों यहाँ पर कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपका जर्व क्वालिफाई होता है तो आप नेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आपका नेट का होता है तो आप ओनली नेट और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी में आते हो तो गाइस आपको इस बार 175 टू 190 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप नेट एग्जाम क्वालिफाई हो, पार्टी वार्टी करना स्टार्ट कर दो। वहीं अगर आपके 200 में से 210 के अराउंड नंबर आते हैं, 200 से 210 के अराउंड नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोग जार्व के लिए तैयार हो। अब आप लोग कहोगे सर पीएचडी का बताओ, तो पीएचडी में गाइस अराउंड आपके 165 प्लस नंबर आने चाहिए तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में गाइस आपके 155 प्लस नंबर आना कंपलसरी है जब भी आप लोग इसके लिए अप्लाई हो। वहीं आपके इधर 195 प्लस नंबर अगर आपके आते हैं तो आप जारेफ के लिए भी हो। वहीं अगर पीएचडी के लिए 155 प्लस नंबर आपका आते हैं तो आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस बार 3 लेवल है तो काफी कुछ मजा आने वाला है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी में गाइस 145 प्लस नंबर आना कंपलसरी है और 175 नंबर आना कंपलसरी जारेफ के लिए एससी के अंदर जब भी आपका जारेफ क्वालिफाई होगा। वहीं पीएचडी में आपका करीब 145 प्लस नंबर या 140 मान के चलिए आपका आना जरूरी है। एसटी की अगर मैं बात करता हूं तो गाइस एसटी में आपका यहां पर अराउंड 140 प्लस नंबर आना कंपलसरी है, जारेफ में 165 प्लस नंबर आना कंपलसरी है और वहीं आपका एसटी में 130 प्लस आना कंपलसरी। तो आपका इस आधार पे आपका नेट और जारेफ क्वालिफाई हो जाएगा। अब आप लोगों का अपना स्कोर तो आप लोगों ने मेजर कर लिया होगा, आंसर की आ चुकी है, यूजीसी की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। अब जब से आप लोगों ने दोनों को कंपेयर किया होगा तो आप लोगों का एक स्माइल आ गया होगा, डीमोटिवेशन हो गए कि चलो यार इतना नंबर तो आ रहा है, हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं काफ़ी लोग डीमोटिवेशन भी हुए और होना बनता है यार, क्योंकि बट एक चीज़ का ध्यान देना यार, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, वो एक डायलॉग है ना कि अभी तो शुरुआत है, खेल अभी बाकी है, और वो कहता है ना कि अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो अब हमारा एग्जाम है 4 महीने बाद 5 महीने बाद दिसंबर का, तो वहाँ पर हमें कमबैक करना है, तो उस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। और अभी इस आधार पे भी आपको कुछ नहीं होना, क्योंकि 15 या 16 तारीख तक आपका ऑफिशियल रिजल्ट जारी हो जाएगा, जहाँ पर ऑफिशियल रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा कि आपने मेहनत करी है या फिर मजे मारे, ठीक है। और हम लोगों का नया बैच प्रारंभ हो गया है इंग्लिश का, जहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोई भी एक सिंगल पेपर लेते हो तो मात्र 2500 का है, दोनों पेपर 4000 के, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा यूजीसी नेट जारेफ के लिए। ये 6 मंथ का है, जहाँ पर आपको पेपर वन के साथ पेपर सेकंड की भी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको बस फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड करना है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से।
वहीं आप लोग फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।